टू दी फार्मेसी इंडिया चैनल। सो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सस्पेंशन पार्ट टू की। सस्पेंशन पार्ट वन में ऑलरेडी देख चुके हैं सस्पेंशन की डेफिनेशन, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, क्लासिफिकेशन एंड मार्केटेड प्रिपरेशन। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें हम आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के साथ साथ डिस्कस करेंगे जीपैट, नाइपर, ड्रग इंस्पेक्टर और फार्मासिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। हम इसमें डिस्कस करेंगे फैक्टर्स, हम इसमें डिस्कस करेंगे फिजिकल स्टेबिलिटी ऑफ सस्पेंशन, हम इसमें डिस्कस करेंगे क्रिस्टल ग्रोथ, जिसमें कि हम ऑस्टवाल्ड राइपनिंग भी पढ़ने वाले हैं, जो कि कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले हम इसमें डिस्कस करेंगे फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग पार्टिकल सेटलिंग। सो फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग, यू कैन ऑल्सो डाउनलोड द फार्मेसी इंडिया मोबाइल ऐप फ्रॉम द गूगल प्ले स्टोर। देयर यू विल गेट जीपैट, नाइपर, ड्रग इंस्पेक्टर, फार्मासिस्ट एंड मेनी मोर सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज। लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। पार्टिकल सेटलिंग को पढ़ने से पहले हमें एक सस्पेंशन की प्रॉपर्टी मैंने बताई थी कि सस्पेंशन, हम सस्पेंशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसमें जो ड्रग पार्टिकल्स हैं सस्पेंड रहते हैं, ना कि डिसॉल्व रहते हैं। तो जो पार्टिकल्स हैं वो रैपिडली सेटल नहीं होने चाहिए, याद रखिएगा। तो इस तरीके से हम प्रॉपर्टीज को डिस्कस करने वाले हैं। आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूं, आइडियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सस्पेंशन हैव हाइलाइटेड द नीड टू प्रिवेंट दिस सेटलिंग ऑफ पार्टिकल्स। मीन आइडियल कैरेक्टरिस्टिक क्या बोलती है, जो ड्रग पार्टिकल्स हैं सस्पेंशन में वो सेटल नहीं होने चाहिए, मतलब केक नहीं बनना चाहिए हमारा, ठीक है। अगर केक बने तो वो रीडिस्पर्सेबल होना चाहिए, मतलब अगर उसको शेक करें बोतल को तो वो जो ड्रग पार्टिकल्स हैं फिर से रीडिस्पर्स हो जाएं पूरी बोतल में, इस तरीके से, ठीक है। नाउ कुछ थ्योरीज बताई गई रिलेटिंग टू द सेडिमेंटेशन विच प्रोवाइड्स द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द सेटलिंग ऑफ सॉलिड। कौन कौन सी थ्योरी थी, पहली पार्टिकल शेप। पार्टिकल शेप बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, याद रखिएगा, पार्टिकल की शेप इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कैसे, कि अगर पार्टिकल की शेप एक रेगुलर शेप है तो एक सॉफ्ट केक बनेगा, अगर इरेगुलर है तो हार्ड केक बनेगा। हार्ड केक बनने की वजह से क्या डिसएडवांटेज होगी, तो अगर हम इसको शेक करेंगे इस बॉटल को तो ये हमारा यहीं पे जमा रह जाएगा, ठीक है। सेकेंड इज थ्योरी ऑफ ब्राउनियन मूवमेंट। थ्योरी ऑफ ब्राउनियन मूवमेंट क्या होता है, याद रखिएगा, जब पार्टिकल्स आपके एक टाइप ऑफ जिगजैग मैनर में रहते हैं, इस मूवमेंट को हम ब्राउनियन मूवमेंट बोलते हैं। इसको भी डिटेल में देखने वाले हैं और साथ ही साथ बात करेंगे थ्योरी ऑफ सेडिमेंटेशन। थ्योरी ऑफ सेडिमेंटेशन में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, पार्टिकल साइज, विस्कोसिटी ऑफ द मीडियम एंड डेंसिटी ऑफ द मीडियम। अब डिटेल से एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे पार्टिकल शेप की। पार्टिकल शेप बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे कि सबसे पहले पार्टिकल शेप डिटरमाइंस द पैकिंग अरेंजमेंट्स एंड इन्फ्लुएंसिंग द सेटलिंग बिहेवियर। देखिए कैसे, पार्टिकल्स अगर आपके रेगुलर शेप के हैं तो वो एक सॉफ्ट केक बनाएंगे, मींस वॉइड स्पेस सारा ऑक्यूपाई हो जाएगा, ठीक है। लाइक सिमेट्रिकल बैरल शेप्ड पार्टिकल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट वर फाउंड टू प्रोड्यूस स्टेबल सस्पेंशन विदाउट केकिंग अपन स्टोरेज। मतलब केकिंग नहीं होगा स्टोरेज करने पर, लॉन्ग टाइम अगर स्टोर करते हैं तो जो उसके ड्रग पार्टिकल्स हैं वो नहीं जमेंगे बेस पर, ठीक है। वहीं पर उसी कंपैरिजन में अगर मैं बात करूं एसिमेट्रिकल निडल शिफ्ट पार्टिकल्स की, तो ये क्या करते हैं, ये हार्ड केक बना लेते हैं, विच कांट बी रीडिस्पर्सेबल। अगर आप उस बॉटल को जिसमें हार्ड केक जमा होगा आप उसको कितना ही शेक कर लीजिए वो रीडिस्पर्स नहीं होगा, और रीडिस्पर्स ना होने की वजह से फिर आपकी डोज में यूनिफॉर्मिटी नहीं आएगी, डोज एक्यूरेसी नहीं हो पाएगा, फिर वो फिर हमारा प्रॉब्लम आता है मेनली बॉडी कंडीशन में, ठीक है। पार्टिकल शेप आप समझ गए हैं। नाउ बात करूं मैं, नेक्स्ट इज थ्योरी ऑफ ब्राउनियन मूवमेंट की। थ्योरी ऑफ ब्राउनियन मूवमेंट क्या कहती है, ब्राउनियन मूवमेंट क्या बोलता है, अगर हमारा पार्टिकल एक ब्राउनियन मोशन में है, कैसे,
लाइक अ zigzag है तो इसका मतलब ये नीचे सेटल डाउन नहीं होगा, तो सेडिमेंटेशन नहीं होगा, याद रखिएगा, इट प्रिवेंट्स दी सेडिमेंटेशन। चलिए बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, दैट इन जनरल पार्टिकल्स आर नॉट इन स्टेट ऑफ ब्राउनियन मूवमेंट। मींस अगर नॉर्मल सस्पेंशन की बात करें तो उसमें पार्टिकल्स ब्राउनियन मूवमेंट नहीं शो करते, क्योंकि उसमें बड़े पार्टिकल्स होते हैं, याद रखिएगा, डरिएगा नहीं, लार्ज पार्टिकल होते हैं तो जनरली ब्राउनियन मूवमेंट नहीं शो करते। और एक और रीज़न मैं बता दूं, हायर विस्कोसिटी, विस्कोसिटी ज़्यादा होने के कारण और लार्ज पार्टिकल होने के कारण हमारा जो नॉर्मल सस्पेंशन है वो ब्राउनियन मूवमेंट नहीं शो करता। ठीक है, समझ गए, आई होप। नाउ नेक्स्ट, तो कैसे मेजर करें अगर यहाँ पे नहीं कर पा रहे बड़े पार्टिकल्स की वजह से, तो क्या होना चाहिए पार्टिकल साइज का? Particle size actual, the particle size should be that is 2 to 5 micrometer, provided densities of the particles and viscosity of the medium should be favorable. Favorable होनी चाहिए, समझ गए हैं, I hope आप समझ गए हैं। Now next बात करते हैं next point की, that is theory of sedimentation. Theory of sedimentation की बात करें, theory of sedimentation क्या बोलता है? The rate of sedimentation of particles can be expressed by Stokes' law. एक equation देंगे, theory of sedimentation को समझ लेते हैं। Mainly इस theory में क्या बोला गया है कि जो particles हमारे sediment होते हैं, sediment होने के process को हम sedimentation बोलते हैं। ये clear हो गया है? Now क्या equation है? बहुत important, याद रखिएगा students, ये question पूछा जा सकता है, डबल स्टार मार्क क्वेश्चन इन योर जीपैट, नाइपर, ड्रग इंस्पेक्टर एंड फार्मासिस्ट। तो रेट ऑफ सेडिमेंटेशन पूछा जाता है, दैट रेट ऑफ सेडिमेंटेशन कैन बी डिटरमाइंड बाय, एंड वी कैन से दैट इट इज डिटरमाइंड बाय द स्टॉक्स लॉ। तो क्या होता है रेट ऑफ सेडिमेंटेशन? दैट इज डी स्क्वायर रो वन माइनस रो टू अपॉन इंटू जी अपॉन 18 नीटा। तो अब ये क्या है, डी क्या बोल दिया सर आपने, मेरे को तो समझ में नहीं आया। हियर वी हैव दैट डी इज द डायमीटर ऑफ द पार्टिकल, पार्टिकल का डायमीटर है, एंड रो वन डेंसिटी ऑफ द डिस्पर्स्ड फेज डिस्पर्शन मीडियम, एन इज इक्वल टू विस्कोसिटी ऑफ द डिस्पर्शन मीडियम। देखिए डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम में कंफ्यूजन नहीं होगा स्टूडेंट्स, तो एक बार और क्लियर कर देते हैं अगर है तो। देखिए डिस्पर्स्ड फेज मतलब ये आपका पार्टिकल है, ये हमने एक मीडियम में डाला, लिक्विड मीडियम में, तो ये जो पार्टिकल है यहाँ पे हुआ, गया डिस्पर्स्ड हुआ, तो इसको बोलेंगे डिस्पर्स्ड फेज। ठीक है, डिस्पर्स्ड फेज बोल दिया, और किस मीडियम में गया? डिस्पर्शन मीडियम में, समझ गए हैं, बहुत इजी है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, स्टॉक्स लॉ केवल कुछ फॉलोइंग कंडीशंस पे एप्लीकेबल होता है। अगर पार्टिकल हमारा स्फेरिकल है बट कुछ मत मेनली सस्पेंशन में हमारा इरेगुलर शेप में रहता है, और जो पार्टिकल सेटल हो जाते हैं फ्रीली और इंडिपेंडेंटली, उस कंडीशन में ये एप्लीकेबल होता है। सच कंडीशंस कैन बी सेटिस्फाइड इन डाइल्यूट सस्पेंशन, मींस डाइल्यूट जिसमें जो डिस्पर्स्ड पार्टिकल की मात्रा है, क्वांटिटी है, वो 0.5 to 2% हो। ठीक है, सॉलिड्स पर 100 ml, मतलब 0.5 to 2% हो 100 ml में। ठीक है, समझ गए हैं, बट मोस्ट ऑफ द सस्पेंशन कंटेन डिस्पर्स सॉलिड इन कंसंट्रेशन ऑफ द 5 to 10। अगेन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है, पूछा जा सकता है कि कितना डिस्पर्स्ड फेज रहता है एक नॉर्मल सस्पेंशन में, 5 to 10% रहता है, ये बात याद रख लीजिएगा, लिख लीजिएगा, मार्क कर लीजिएगा कहीं पर भी जहां पर पढ़ेंगे, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नाउ चलिए नेक्स्ट इज क्रिस्टल ग्रोथ एंड पॉलीमॉर्फिज्म। क्रिस्टल ग्रोथ पॉलीमॉर्फिज्म सर क्या बता दिया, कितना हार्ड टिपिकल वर्ड है, बहुत सिंपल है। व्हाट इज क्रिस्टल ग्रोथ, व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म? देखिए हम जब सस्पेंशन को, हम अपनी फॉर्मुलेशन को स्टोर करते हैं, तो ड्रग पार्टिकल स्टोर करने के टाइम पर अपने आप में एनलार्ज हो जाते हैं, मतलब क्रिस्टलाइजेशन हो जाता है,
मतलब डिग्रेडेशन शुरू हो जाता है। तो इसमें जो पार्टिकल्स हैं डिस्पर्स्ड फेज जो होता है वो पार्टिकल्स है वो ग्रो होने लगते हैं अपने नॉर्मल पार्टिकल साइज से, तो हम वो इसमें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए। दैट इन अ सस्पेंशन द सस्पेंडेड सॉलिड, सस्पेंडेड सॉलिड क्या, ड्रग पार्टिकल्स मे ग्रो इन साइज ड्यूरिंग स्टोरेज, दिस फिनोमेना इज नोन एज क्रिस्टल ग्रोथ। ठीक है, द फॉलोइंग आर द मैकेनिज्म, बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म याद रखिएगा, क्रिस्टल ग्रोथ के पूछा जाएगा, ऑस्टवाल्ड रैपनिंग, टेम्परेचर चेंजेस, पॉलीमॉर्फिक ट्रांसफॉर्मेशन। ऑस्टवाल्ड रिपनिंग की वजह से होता है क्रिस्टल ग्रोथ, टेम्परेचर चेंजेस की वजह से, ये भी डिटेल में पढ़ने वाले हैं, और पॉलीमॉर्फिक ट्रांसफॉर्मेशन मींस, ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म होता है उसमें क्रिस्टल में, तो उसकी वजह से क्रिस्टल ग्रोथ और पॉलीमॉर्फिज्म होने के चांसेस रहते हैं। तो सबसे पहले हम ऑस्टवाल्ड रैपनिंग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ऑस्टवाल्ड रैपनिंग क्या होता है सर, क्वेश्चन कैसे आता है सर, पूछा जा सकता है, तो क्वेश्चन कैसे आएगा, दैट ऑस्टवाल्ड रैपनिंग इज रिलेटेड टू विच फॉर्मुलेशन, एंड आंसर इज योर सस्पेंशन। ठीक है, नहीं भूलेंगे, याद है सर, अब आराम से टिक कर देंगे, आपने बताया, आप जब टेस्ट सीरीज सॉल्व करेंगे फार्मेसी इंडिया पे तो आपको बहुत जगह ये क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, नाउ चलिए बात करते हैं ऑस्टवाल्ड रैपनिंग के डिटेल में। अगर मैं पॉली डिस्पर्स सस्पेंशन की बात करूं, जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं वो ज्यादा सॉल्युबल रहते हैं देन द लार्जर वन, अगर हमारे छोटे पार्टिकल्स हैं लार्ज पार्टिकल के कंपैरिजन में ये ज्यादा सॉल्युबल रहेंगे। ठीक है, पहला पॉइंट, तो क्या होगा, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एग्जिस्ट करेगा, इसी की वजह से कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एग्जिस्ट किया, किसके बीच में, ड्रग इन सॉल्यूशन के बीच में और सॉलिड ड्रग पार्टिकल के बीच में, याद रखिएगा। सो एक छोटा छोटा सा हाईलाइट समझ लीजिएगा, थ्योरी पे जाने का नहीं है, मैं इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा, जो हाई ड्रग कंसंट्रेशन होगा वो एक स्मॉल पार्टिकल्स के सराउंडेड में रहेगा, मींस छोटे पार्टिकल पे ज्यादा ड्रग रहेगी, ये ड्रग है और ये छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। ठीक है, और बड़े पार्टिकल पे कम ड्रग रहेगी, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो इसकी वजह से फिक्स लो आया, फिक्स लो अकर हुआ, फिक्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन आया, फिक्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन की वजह से क्या हुआ, दैट फ्रॉम द एनवायरनमेंट ऑफ ए स्मॉल पार्टिकल ड्रग डिफ्यूजेस टू द एनवायरनमेंट ऑफ द सराउंडिंग ऑफ द लार्ज पार्टिकल। ठीक है, याद रखिएगा, एज अ फिर क्या होगा, जो एनवायरनमेंट है स्मॉल पार्टिकल्स का वहां से ड्रग डिफ्यूज होगी टू द एनवायरनमेंट ऑफ द लार्जर पार्टिकल्स। ठीक है, फिर क्या होगा, जो ड्रग कंसंट्रेशन है स्मॉलर पार्टिकल के पास में वो डिक्रीज होगी और लार्जर पार्टिकल्स के पास चली जाएगी। जब लार्जर पार्टिकल्स के पास ड्रग की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी तो ये यहां पे तो क्रिस्टल बड़ा होने लगेगा। तो ठीक है, तो अब क्या होगा, जब हमने बात ही कर रहे हैं क्रिस्टल ग्रोथ की, तो जब जैसे बढ़ गया तो क्रिस्टल ग्रोथ आ गई है। ऑन द अदर हैंड द ड्रग इंक्रीज इज अराउंड द लार्जर पार्टिकल, ऑलरेडी बता चुका हूं, तो द ड्रग इन द सॉल्यूशन इज क्रिस्टलाइज ऑन द लार्जर पार्टिकल, हेंस द क्रिस्टल ग्रोथ अकर्स। बहुत इंपॉर्टेंट, समझ गए होंगे, याद रखिएगा। और इस फिनोमिना को हम बोलते हैं ऑस्टवाल्ड रैपनिंग, मतलब छोटे पार्टिकल को और छोटा हो जाना और बड़े पार्टिकल को और बड़ा कर देना, क्रिस्टलाइजेशन कर देना, उसको हम बोलते हैं ऑस्टवाल्ड रैपनिंग। ठीक है, नाउ नेक्स्ट प्रोसेस, टेम्परेचर चेंजेस, टेम्परेचर के बहुत सारे इफेक्ट्स हमारी फॉर्मुलेशन पे पड़ते हैं, याद रखिएगा। टेम्परेचर ज्यादा होगा स्मॉल पार्टिकल डिजोल्व हो जाएंगे greater extent पे, and this dissolved move towards the larger particle, and when the temperature drops recrystallization grows continues on the larger particles। ठीक है, now next, during storage due to the temperature fluctuation crystal growth observed, जब temperature fluctuations होंगी तो जो हमारा crystal growth है वो observe किया जाएगा फिर से। आई होप समझ चुके हैं, ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। लास्ट, pH भी डिपेंड करता है, सॉल्वेंट इफेक्ट, इंप्योरिटीज, एजिटेशन इंक्रीजेस द क्रिस्टल ग्रोथ। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पर फिर भी जानने की जरूरत थी कि टेम्परेचर का क्या फर्क पड़ता है। समझ गए हैं, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट चलते हैं पॉलीमॉर्फिक ट्रांसफॉर्मेशन। पॉलीमॉर्फिक क्या होता है, मींस चेंज इन द एटॉमिक स्ट्रक्चर, नॉट इन
केमिकल कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन हमारी नहीं चेंज होगी, बस केवल एटॉमिक स्ट्रक्चर में चेंज होगा टू प्रोड्यूस अ डिफरेंट फॉर्म। ठीक है, क्रिस्टल ग्रोथ मे अराइज ड्यूरिंग साइज बाय क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग एंड ड्राइंग एंड हीट क्रिस्टलाइजेशन। मतलब जब हम सस्पेंशन बना रहे होंगे, हम उसको ग्राइंडिंग कर रहे होंगे, उसको क्रशिंग कर रहे होंगे, तब ये चीज हमें देखने को मिलती है। सपोज करो जब आप, हमारा बेसिक स्टेप क्या होता है सस्पेंशन बनाने का, जो हमारे ड्रग पार्टिकल्स हैं उसको ग्राइंड करना, तो यहीं पर ग्राइंड होने के चांसेस, ग्राइंड होते वक्त पॉलीमॉर्फिक ट्रांसफॉर्मेशन होने के चांसेस होते हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है पॉलीमॉर्फिक ट्रांसफॉर्मेशन किस स्टेप में होता है, याद रखिएगा सबसे फर्स्ट स्टेप में होता है ड्यूरिंग ग्राइंडिंग और ड्यूरिंग क्रशिंग, बहुत इंपॉर्टेंट, समझ गए हैं ना। कुछ मेजर्स हैं टेकन जो हमें जरूरत है लेने की क्रिस्टल ग्रोथ को रोकने के लिए, मींस पार्टिकल साइज को सेलेक्ट करना विद नैरो साइज रेंज, सेलेक्टिंग ऑफ अ मोर स्टेबल क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ द ड्रग, साइज रिडक्शन को अवॉइड करें, इनकॉर्पोरेटिंग वेटिंग एजेंट, इंक्रीज द विस्कोसिटी, अवॉइडिंग टेम्परेचर एक्सट्रीमिटीज ड्यूरिंग स्टोरेज। ठीक है, नहीं समझाने की जरूरत थी, ये समझ में आ गया है हम अपने को, अब हम आराम से लिख सकते हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट बात करें फिजिकल स्टेबिलिटी की। फिजिकल स्टेबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो फिजिकल स्टेबल सस्पेंशन क्या होता है, मतलब उसमें पार्टिकल सस्पेंड रहें तो एक ड्यूरिंग स्टोरेज उसमें कोई क्रिस्टल ग्रोथ ना हो, तो फिजिकल स्टेबिलिटी मानी जाती है। फिजिकल स्टेबिलिटी इज डिफाइंड एज द कंडीशन इन विच द पार्टिकल्स रिमेन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द डिस्पर्जन विदाउट एनी साइन ऑफ सेडिमेंटेशन। मीन्स जो ड्रग पार्टिकल्स हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट रहें थ्रू आउट द डिस्पर्जन विदाउट एनी साइन ऑफ सेडिमेंटेशन। ठीक है ना, द एक्सटेंट ऑफ सेडिमेंटेशन दो तरीके से इसको समझाया गया है, सेडिमेंटेशन वॉल्यूम जिसको हम कैपिटल एफ से भी डिनोट करते हैं, डिग्री ऑफ फ्लॉक्युलेशन जिसको हम कैपिटल बी से भी डिनोट करते हैं। चलिए सेडिमेंटेशन वॉल्यूम को डिस्कस कर लेते हैं डिटेल में। सेडिमेंटेशन वॉल्यूम को हम क्या बोलते हैं, सेडिमेंटेशन वॉल्यूम इट इज डिफाइंड एज वी एफ इजिकल टू वी यू अपॉन वी नॉट, जहां पे वी नॉट VU क्या होता है अल्टीमेट वॉल्यूम ऑफ द सेडिमेंट एंड वी नॉट इज इनिशियल वॉल्यूम ऑफ द सस्पेंशन। ठीक है, कुछ कंडीशंस है, एफ इज डिनोटेड एज द सेडिमेंटेशन वॉल्यूम एंड इट इज अ डायमेंशनलेस नंबर। अगेन क्वेश्चन आ सकता है सेडिमेंटेशन वॉल्यूम क्या है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है दैट इट इज अ डायमेंशनलेस नंबर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, इफ द सेडिमेंटेशन वॉल्यूम, अगर हमने सेडिमेंटेशन वॉल्यूम एक मेजरिंग सिलेंडर में निकाली तो तब हम उसको एच यू और एच नॉट में रिप्रेजेंट करेंगे, जहां पे एच हमारा हाइट ऑफ सेडिमेंट होगा। हाइट ऑफ सेडिमेंट मतलब जो नीचे बैठ गया होगा ड्रग पार्टिकल्स, जो केक बने हुआ उसको सेडिमेंट बोलते हैं। ठीक है, एफ कैन बी एज्यूम अ वैल्यू ऑफ वन व्हेन देयर इज नो सेडिमेंटेशन, जब हमारा ये सेडिमेंटेशन नहीं होगा, अगर ड्रग पार्टिकल सस्पेंड हैं और सेडिमेंट नहीं है तो एफ की वैल्यू वन मानी जाती है, विच इज अ डिजायरेबल प्रॉपर्टी ऑफ एन आइडियल सस्पेंशन। पूछा जा सकता है सेडिमेंटेशन वॉल्यूम की वैल्यू कितनी होनी चाहिए एक आइडियल सस्पेंशन को मानने के लिए, क्या आंसर होगा? यस स्टूडेंट्स, आप सही सोच रहे हैं, वन इज द करेक्ट आंसर। नाउ चलिए, F values between lies between these limits 0 to 1 and higher the sedimentation volume better the physical stability। कैसे? जितनी ज्यादा sedimentation volume होगी उतना अच्छा physical stability होगी, याद रखिएगा, समझ गए? ठीक है ना, अब चलते हैं next पे, degree of flocculation, next point। ठीक है, degree of flocculation कैसे define करेंगे, that it is defined by as or as this, that is b is equal to f upon f a, means sedimentation volume of flocculated system or sedimentation volume of deflocculated system। ऐसे ही ultimate, यहाँ पे b की बात कर दी है, ultimate sediment और ultimate sedimentation volume, sediment volume of deflocculated system, ज़्यादा difference नहीं है, इनको ऐसे भी explain किया जा सकता है। so f, if f is equal to f a then b will be 1, याद रखिएगा, if b value is nearer to 1 then the suspension does not represent a flocculated suspension। ये जरूरी है, ये समझना जरूरी है, that if the value of b is nearer to 1, अगर degree of flocculation की value 1 के आसपास हुई
तो फ्लॉक्युलेटेड सस्पेंशन नहीं होगा, इट क्या होगा, वो डीफ्लॉक्युलेटेड सिस्टम होगा, पूछा जा सकता है क्वेश्चन, ठीक है। इन जनरल हायर द वैल्यू ऑफ द बी द ग्रेटर विल बी द फिजिकल स्टेबिलिटी, जितनी ज्यादा बी की वैल्यू ज्यादा होगी उतना अच्छा फिजिकल स्टेबिलिटी होगा, ठीक है। इट इज अ डिस्ट्रक्टिव मेथड, ये एक डिस्ट्रक्टिव मेथड है, क्यों, बिकॉज द फ्लॉक्युलेटेड सिस्टम इज कन्वर्टेड टू अ डीफ्लॉक्युलेटेड, कैसे, जो फ्लॉक्युलेटेड सिस्टम है वो हम डीफ्लॉक्युलेटेड में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे, बाय द एडिशन ऑफ डीफ्लॉक्युलेटिंग एजेंट, जैसे कि इलेक्ट्रोलाइट। इसकी नेक्स्ट वाली वीडियो में हम बात करेंगे, कुछ पार्टिकल पार्टिकल इंट्रैक्शन की भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स ऐड करके एक एग्जाम्पल भी बताने वाले हैं, तो बने रहिएगा, ठीक है। नाउ लास्ट की बात करें, रीडिस्पर्सिबिलिटी, कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पर समझाना जरूरी था। रीडिस्पर्सिबिलिटी में क्या होगा कि हमारे जो ड्रग पार्टिकल्स हैं वो कितने अच्छे से रीसस्पेंड हैं, ठीक है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये मैं आपको समझा चुका हूं ऑलरेडी। तो इसको हम निकालते कैसे हैं, ये देख लीजिएगा मेथड लास्ट में, दैट द सस्पेंशन मे बी प्लेस इन 100 ml ग्रेजुएट सिलेंडर, एक 100 ml के सिलेंडर में, मेजरिंग सिलेंडर में रखा जाएगा, उसको 360 डिग्री पर 20 rpm पे रोटेट करा जाएगा, और जो एंड पॉइंट है उसको कब वो करेंगे, मेजर करेंगे, जब बेस होगा जो हमारा सिलेंडर का वो क्लियर ऑफ सेडिमेंट, मतलब सेडिमेंट नहीं होगा, एंड इंक्लूडिंग द यूनिफॉर्मिटी ऑफ द सस्पेंडेड ड्रग पार्टिकल। तो इसको हम रीडिस्पर्सिबिलिटी को ऐसे मेजर करते हैं। आई होप स्टूडेंट्स यू लाइक दिस वीडियो, स्टे कनेक्टेड विद फार्मेसी इंडिया। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कुछ फॉर्मुलेशन की, कैसे फॉर्मुलेट करते हैं सस्पेंशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।